जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला आज कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने पहले कार्यकर्ताओं की बैठक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में ली। उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला पार्टी के पूर्व प्रत्याशी योगेश शर्मा के सेक्टर 3 कार्यालय पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की मांग है कि उनको लोकल उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि बाहर के उम्मीदवार आते हैं, वह जीतने के बाद दोबारा जनता के बीच नहीं जाते, इसलिए जननायक जनता पार्टी द्वारा लोकल उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी के पास 5 से 7 लोकसभा चुनाव को लेकर नाम आए हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडियन गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता और भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब आदमी अपने काम से हटकर कुछ अलग करता है तो वह उनको शूट नहीं करता और जनता उसका मखोल बनाती है, और आजकल वह मखोल इंटरनेट पर ज्यादा चलता है। हल्का स्तरीय मीटिंग हमारी 3 हलकों की थी, लाडवा की, शाहबाद की, लाडवा की, थानेसर की और पेवा की। शाहबाद की मीटिंग हमें कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हमारे विधायक जी के सगे भाई का देहांत हो गया, सुबह उनके घर पे जाना हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर। लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी कैसे अच्छा प्रदर्शन करे, सबसे राय शुमारी आज की है। उत्साह को देखते हुए लगता है बाहुबल और धन बल के बलबूते पर खड़े तीनों प्रत्याशियों को हमारा प्रत्याशी चित कर यहां विजयश्री हासिल करेगा। लोग बाहरी बनाम लोकल का नारा दे रहे हैं कि तीनों कैंडिडेट बाहर से आकर कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और लोकल कैंडिडेट की आवश्यकता है, बाहर वाला आता है और चला जाता है, 5 साल सुध नहीं लेते लोगों की। तो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों को पछाड़ कर जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा। हर हलके में अच्छा उत्साह है, लाडवा में बहुत अच्छा उत्साह है, थानेसर में अच्छा उत्साह है। पार्टी के पास 5 या 7 नाम आए हैं इस सीट पर, तो सारे समीकरण देखकर जिताऊ कैंडिडेट को पार्टी टिकट जल्द दे देगी, लोकल को टिकट। सर, कोई गेहूं काट रहा है, कोई कट्टे उठाकर ट्रकों में लोड कर रहा है, क्या कहेंगे? जब कोई आपके 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 कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा कि वो लोगों के दिल के ऊपर छाप छोड़ दे? जब आदमी अपने काम से अलहदा करता है कुछ, तो वो उसको सूट नहीं करता और लोग उसका मखौल बनाते हैं। आजकल मखौल जो है वो इंटरनेट पर ज्यादा चलता है, रील्स पर ज्यादा चलता है। गेहूं काटने वाले और कट्टे उठाने वालों का खूब मखौल उड़ रहा है, जिनने कभी कट्टा हाथ में भी नहीं लिया, किस प्रकार डगमगा करके उन सीढ़ियों पर अपने कदम बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार लामणी करने का प्रयास दिखाया जा रहा है, ये इनके DNA से कोसों मील दूर है। लोग सच्चाई को जानते हैं। गांव देहात में बसने वाला ऐसे लोगों को करारा जवाब चुनाव में मत के ताकत से देता। अभय सिंह चौटाला ने दावा किया है कि वे यहां वोट काटने नहीं आए, रांद काटने आए हैं गुप्ता की और जिंदल की, तो JJP का क्या दावा है? इस तरह की शब्दावली अभय सिंह चौटाला जी के मुखारबिंद से अमूमन हम सुनते हैं। पीछे उन्होंने कहा कि मेरी जाट और बनिए की लड़ाई है। मेरे परदादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे, रिकॉर्डेड है ये उनके भाषण का, उनने कहा था कि मेरी जाति, कुछ लोग कहते हैं कि जाट है क्योंकि मैंने जाट के घर में जन्म लिया,
मगर मैं नहीं मानता, मेरी जाति जाट है। वो कहते थे कि मेरी जाति मेहनत कर्श कमेरे की जाति है, सुबह संघर्ष करकर रात को अपने परिवार के पेट के गुजारा करने वाले की जाति मेरी जाति है। वो कहते थे कि मैं कमेरा हूं, मेरी लुटेरे से लड़ाई है। कितना स्तर गिर गया राजनीति का कि उनके पुत्र मेरे चाचा अभय सिंह को यह कहना पड़ा सिर्फ वोट के लिए, जो चौधरी देवीलाल कहते थे उसके बहुत विपरीत जाकर कहना पड़ा कि मैं कमेरा नहीं बल्कि जाट हूं। यानी एक बात तय है कि 36 में से 35 जातियों को उन्होंने अपना माना ही नहीं, और जिसको माना उस जाति ने उन्हें अपनाया नहीं। अभय सिंह चौटाला 50,000 मत हासिल नहीं कर पाएंगे कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में। जमानत जब्त नहीं होगी, बल्कि जमानत की भी जमानत जब्त हो जाएगी। आज 35 जात के लोग ये कह रहे हैं कि जब ये हमें अपना मानता ही नहीं तो हम इसको वोट क्यों दें। जिस वर्ग को चौधरी देवीलाल जी ने, अग्रवाल कम्युनिटी को, अगरसेन महाराज को सदैव अपना माना, उनको नतमस्तक होकर उस समाज के लोगों को गले लगाया, आज उन्हें दुत्कार दिया, ये चौधरी देवीलाल की पॉलिटिक्स नहीं। अभय सिंह जाति की पॉलिटिक्स करने लग गए और इसीलिए वो शून्य पर पहुंच गए। जब जाट आरक्षण हुआ था तो दो नेता हरियाणा के उस आरक्षण का हिस्सा बन गए थे, एक भूपेंद्र हुड्डा और एक अभय सिंह चौटाला, और दोनों का हश्र क्या हुआ ये जनता ने तय कर दिया। दुष्यंत चौटाला को लाख कोशिश की थी कि उस आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए, दुष्यंत ने कहा मैं राजनीति और एमपी का पद छोड़ दूंगा मगर जाति की राजनीति नहीं करूंगा। 4.25 साल में एक नेता दुष्यंत चौटाला है जिस पर कोई आरोप लगा सकता है, जाति का आरोप नहीं लगा सकता, धर्म की राजनीति करने का आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूं आपकी और हमारी जाति एक है और हमारी लड़ाई लुटेरे से है। वो लुटेरा किस रूप में किस जाति का है ये हम सब जानते हैं। इंसो की तो मेन, इंसो की मेन भूमिका है, हम सब इंसो के प्रोडक्ट हैं जितने यहां खड़े, अब नए आ गए हैं उन साथियों को काम करना है। इंसो तो बहुत क्रांतिकारी कौम है और वो संघर्ष कर रहे हैं। सर एक और सवाल था मेरा, जो अभय सिंह चौटाला का ये कहना था कि जो था मुझे पता नहीं, पिछली बार उनके बेटे लड़े थे कितने लिए थे, 60,000। हाँ तो बस फिर मेरे को क्या कहने की आवश्यकता है। तो मुझे योगेश जी को क्या जिम्मेदारी दी जाए? योगेश जी को तो सारी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है और चौधरी देवीलाल जी की सोच का ध्वजवाद। आप जननायक जनता पार्टी के जो नेता